न्यूज इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अगर हम जम्मू की, तो जम्मू को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अलग अलग जगह पर जो है, अगर हम फुटपाथ की बात करें, फुटपाथ बनाया जा रहा है। माई प्राइड, माई टाउन माई प्राइड की तर्ज पर अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं पर अलग अलग वार्ड्स के जो कॉर्पोरेटर हैं हमारे साथ हैं, इनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें कि पूरी तरह से इनका ये कहना था कि जो माई टाउन माई प्राइड है वो पूरी तरह से असफल है, एक फेलियर जो है वो सामने आया है। जितने भी यहाँ पर जो माई टाउन माई प्राइड जो कार्यक्रम करवाने वाले हैं उनके द्वारा, और हम कॉर्पोरेटर की बात करें तो हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी भी हैं, हमारे साथ अलग अलग वार्ड के कॉर्पोरेटर्स हैं, श्यामलाल बसंत जी बात कर रहे हैं, सोबत अली जी बात कर रहे हैं, इंद्रजीत जी बात कर रहे हैं, मैम भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं गौरव चोपड़ा। गौरव चोपड़ा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है माई टाउन माई प्राइड के नाम से, तो क्या आपको जो है सरकार में जो है असफलता दिखाई देती है? जय श्री राम। जो आज हमारी प्रेस वार्ता थी वो इसलिए थी कि माई टाउन माई प्राइड जो है वो बिल्कुल आई वॉश है। हमने कहा कि आप बताएं कि माई टाउन माई प्राइड जो फर्स्ट आपने किया उसके अंदर कितनी बातों का आपने समाधान किया, माई बैक टू विलेज जो है उसमें आपने क्या करके दिखाया, और जो सेकंड आपने माई टाउन माई प्राइड शुरू किया सिवाय अपनी फ़ोटो दिखाने के, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगाने के, म्यूनसिपैलिटी का पैसा बर्बाद करने के, गवर्नमेंट का और गरीब जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा, वो बर्बाद करने के आपने क्या किया? कितनी क्वेरीज आपके पास आई, कितनी क्वेरीज का समाधान आपने 10 दिन के अंदर करके दिखा दिया, कितने लोगों को बीपीएल का कार्ड बना दिया, पेंशन लागू कर दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितनी गलियां बना दी, कितनी नालियां बना दी, कितनी पुलियां बना दी, और क्या यूईडी को पैसा दिया? क्या जो हमारा 35 लाख जिसके टेंडर कॉल हो चुके हैं क्या उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट किया? तो आई वॉश नहीं है तो ये क्या है? क्या बताएं जम्मू के लोगों को कितना रोजगार दे दिया? क्या माइनिंग माफिया वापस भाग गया? क्या वंशा माफिया वापस भाग गया? किसकी असफलता मानते हैं आप इसके पीछे? बिल्कुल एलजी साहब की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो बाहर से, बाहर की स्टेटों से यहाँ पे लोग बना दिए, कभी किसी को सेक्रेटरी, किसी को चीफ सेक्रेटरी, किसी को कुछ, तो उन लोगों को जम्मू के लिए दर्द कहाँ होगा? और आप स्मार्ट सिटी के माध्यम से आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप सर्वे कर रहे हैं वार्डों में, घरों में, कि हाउस नंबरिंग का है, हाउस नंबरिंग के लिए आपको मेजरमेंट की क्या जरूरत है? हाउस नंबरिंग के लिए आपको लोगों के ऑनर, घर के ऑनर्स की पूछने की क्या जरूरत है? हाउस नंबरिंग के लिए आपको पूछने की क्या जरूरत है कि ये कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है? हाउस नंबरिंग के लिए आपको रजिस्ट्रियाँ चेक करने की क्या जरूरत है? घर के कागज चेक करने की क्या जरूरत है? आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है, उसी का सर्वे हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है तो पहले बताओ कि कोरोना के अंदर जो लोग बेरोजगार हुए उनके घरों में रोजगार पहुंचाया, जो आपने सेक्टेड मूव जो यहाँ पे दरबार मूव जो बंद किया उसके कारण जिन दुकानदारों का कामकाज बंद हो गया, क्या आपने उन दुकानदारों को रोजगार दिया? जिन लोगों के घरों में किराए पे लोग रहते थे, जिन्होंने नए घर बनाए कि चलो एक आमदन का सोर्स है, काम धंधा नहीं है, बच्चों के पास कहीं कमरे बना दिए, किराए पे लगते थे, कुछ ना कुछ तो घर पे आता था, कुछ ना कुछ तो अर्न होता था, आपने वो भी बंद कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स ही आप बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है लगाया जा रहा है, इतनी इंक्वायरी की जा रही है, हर एक दस्तावेज देखे जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, किस लिए इतना इंक्वायरी की जा रही है? प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, यही कारण है उसका, कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है इन लोगों ने, जम्मू की बोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना है। ये समय सही था आपके द्वारा कि ये अभी समय सही था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, जनता पर थोप दिया जाए? क्यों प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, कौन सा समय है? आज कोरोना के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों के घरों में तो कई मकान तो खाली हो गए, कईयों के, किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी की मदर की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, किसी के भाई की डेथ हो गई, रोजगार नहीं पैदा हो पा रहा है, तो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे? ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर के अंदर दादा पर दादाओं के जमाने की ज़मीनें हैं, पूर्वजों के ज़मानों की ज़मीनें हैं, लेकिन दो दो कनाल में भी जगह है, 10 मरले में भी जगह है, लेकिन कागज़ नहीं है, घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं है, लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, लड़के को दुकानदार बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से देगा वो प्रॉपर्टी टैक्स? तो साफ साफ इनका द्वारा कहना था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है जनता पर लगाया जा रहा है पूरी तरह से सही नहीं है, जनता पर इसको जो है बोझ भी पड़ेगा। हमारे साथ इंद्रजीत जी भी हैं, हमारे साथ कॉर्पोरेटर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, माई टाउन माई प्राइड एक
रखा गया था सरकार की तरफ से कि हर जगह पर जाएंगे, जनता की जो है वो शिकायतें सुनेंगे, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से सफल रहा है ये? नहीं जी, कोई सफल नहीं रहा ये। पिछली बार भी इन्होंने किया था, उसका तो कोई आउटपुट निकला नहीं। इस दिन भी आके 10-15 दिन इन्होंने ज़ाया किए और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट किया, हल तो कोई निकला नहीं। ऐसे ही बुला बुला के आ जाओ जी आ जाओ, कोई इनके पास तो आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी, हाल में सिर्फ कारपेंटर जो जो 10-15-20 हैं और 10-20 इनका स्टाफ, बाकी हाल टोटली खाली। पब्लिक तो इन्होंने बुलाया नहीं है, डिमांड जिनकी आके जो सामने बैठता था वही अपनी बात सुना के, इधर से कोई बोल नहीं सकता था। ये ऐसे बस एक शो पीस करके ऊपर अपनी फ़ोटो भेजनी है कि हमने माई टोन माई प्राइड की मीटिंग की है, बाकी उसमें कोई पूरी तरह से दिखावा बस दिखावा इसमें कुछ नहीं है, कुछ आउटपुट निकलने वाली नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों की इतनी कौन जिम्मेवार है इस तरह की जो है? तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? यहाँ के जम्मू का तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जिम्मेवार है। लोग मर रहे हैं, ये वैसा ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। उधर हमारे नालियों का काम है, नालियों में ट्रांसफार्मर लगे हैं वो निकालने के लिए बोल रहे हैं, वो इनको बोल रहे हैं, वो कभी कुछ कोई करता नहीं है। नालियों गलियों की बात है, वो कोई करता नहीं है। ऐसे बिना मतलब के काम लेके आते हैं जो लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स लाएंगे। कोरोना में इतना बुरा हाल हुआ लोगों का कि अभी तक लोग भूखे मर रहे हैं, काम सीधा नहीं हुआ, तो ये ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स। दादा परदादा की ज़मीनें थी जिसमें 2 कनाल का 4 कनाल का प्लाट था, उसमें मकान बना हुआ है, ये जाके 4 कनाल अपना नोट कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे इसमें 2 मंजिल स्टोरी है, वो परदादे ने बनाया हुआ, आगे बच्चों के पास काम ही नहीं, बिल्कुल बेले बैठे हैं वो कहाँ से देंगे टैक्स वो। बाकी बात रही कि JDA में रेगुलराइजेशन जो है बिल्कुल उन्होंने नहीं कर रहा है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है JDA की, लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि प्लाट रेगुलराइज नहीं हो रहे। एक आदमी ने स्टे लिया हुआ है, उसकी वजह से लाखों दुनिया परेशान है, वो JDA में उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैम, स्मार्ट गाड़ियाँ जाने की जगह है क्या? हमारा कोई सिस्टम है वहाँ पे कि एक साइड से गाड़ी जाएगी दूसरी साइड से निकलेगी, कोई कुछ कोई सिस्टम है? हमारे जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ सिस्टम की, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सिस्टम की। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप बाज़ार का काम करवा रहे हैं तो आपको बाज़ार एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, बाज़ार के आपको जितने भी हमारे जो हमारे चैम्बर के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। हर काम के लिए आपको उस एरिया के जो लीडर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उस एरिया के कॉरपोरेटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाने वाले हैं तो उसके लिए आपको उस एरिया के कॉरपोरेटर की, और आपकी टॉपोग्राफी कैसी है उस वार्ड की, उस वार्ड में किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब हर एक एरिया की टॉपोग्राफी। जम्मू पूरा एक छन्नी अलग है, जम्मू गांधीनगर अलग है, रिहाड़ी अलग है, बोफोर्ट अलग है, हर एक वार्ड अपने अपने ढंग से बना हुआ है। कुछ वार्ड्स में भारी लोग रहते हैं, कुछ वार्ड्स में वहाँ के लोकल लोग, कुछ वार्ड में रिफ्यूजी लोग रहते हैं। तो हर एक एरिया कोई किसी का घर 6 कनाल में भी है, किसी का 4 कनाल में भी है, कुछ एरिया ऐसे जहाँ एक एक मरले के घर भी हैं। अब एक मरले के घर वाला क्या प्रॉपर्टी टैक्स देगा, 2 मरले वाला क्या प्रॉपर्टी टैक्स देगा? जैसे कि मैं रिफ्यूजियों की बात करूँ, रिफ्यूजियों के 7 मरले के घर हैं, वह 3 भाई हैं, और वो 7 मरले का घर 3 भाइयों में हुआ डिवाइड, तो वो 3 भाइयों में कोई बेचारा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई प्यून लगा हुआ है, कोई बेचारा कोई दुकानदार है, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देगा? वो 7 मरले का घर अगर 3 भाइयों में डिवाइड हुआ तो कितना कितना हिस्सा आया है, 2.25 मरले के हिस्से। और अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स से लगना भी है, आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाली जम्मू की जनता को? आपको बेसिक फैसिलिटीज दे नहीं पा रहे, इवन कि आप लोग बिजली पानी ये इसका सिस्टम बिल्कुल तो ठीक नहीं हुआ, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो ऊपर से आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले होता है कि हमारा PWD का सिस्टम ठीक होना चाहिए, PHE सिस्टम ठीक होना चाहिए, PDD सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये तीनों हमारे बिल्कुल PHE की हालत बिल्कुल ख़राब है, कई घर ऐसे जहाँ पे पानी की पाइपें तक नहीं गई हुई हैं। मैं अपनी वार्ड की बात कहूँ तो मेरी वार्ड में 7 से 8 घर ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, पानी की वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। और मैंने अपनी वार्ड में वो कम से कम भी 4 साल में 10 बार टूर लगवाए वहाँ पे PHE। सकते हैं कि हमारा नौजवान रोडों पर है, आपने देखा कि जो हमारे PHE के डेली वेजर हैं वो पूरी सर्विस देके 60 साल की उम्र में 26 साल सर्विस देके 60 साल की उम्र में एक सिंगल पेनी उनको दिया जा रहा है, वो घर जा रहे हैं। उनका कोई क्या फ्यूचर, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? आज उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। उसके साथ ही दूसरी बात करें,
उनको रेगुलाइज करने का, जब तक रेगुलाइज नहीं करते आपको मिनिमम वेज एक्ट तो लगा सकते हैं ना, कम से कम वो जो 18,000 वो तो उनको दे दें, लेकिन वो रोडों पर है। हम कश्मीरी माइग्रेंट की बात करें वो रोडों पर है, हम रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे अम्बेडकर चौक में बच्चे हमारे बैठे हैं वो रोडों पर है। जब इन्होंने जेके ड्यूटी बनाई थी 5 अगस्त 2019 को, जब इन्होंने डिक्लेयर की थी जेके ड्यूटी डिक्लेयर, इन्होंने बड़े बड़े हर सेक्शन के साथ इन्होंने वायदा किया था, इन्हें क्या मतलब हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, हम एससी को देंगे, हम एसटी को देंगे, हम हर वर्ग को देंगे। लेकिन आज हम मैं पूछना चाहूँगा क्या किसी को रोज़गार मिला है? आज एससी को कुछ मिला है? छीन ली रिजर्वेशन, प्रमोशन छीन ली, 27% रिजर्वेशन का वादा किया, उसे 27% देने के बजाय जो 4% थी ओएससी की वो भी उन्होंने 42 में बांट दी। तो आज मैं कहूँगा कि अन्याय हो रहा है इनके साथ ना, सिर्फ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए जो पहले एरिया डेवलप था फोकस वहीं पर किया, हम चाहते हैं फोकस वहाँ करें जहाँ पर है ही कुछ नहीं, वहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन मैं खुशी की बात यह कि हमारे बहुफोर्ड के अंदर जो प्रोजेक्ट अभी कुछ चल रहे हैं प्रोजेक्ट, और कुछ हमारे ऑनरेबल मेयर जो है राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो बहुफोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, पूरे सिटी के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। इसके साथ ही जो पहला है हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, उनके प्रयासों से हमारा जो नाला है, नाले का काम 9,30,00,000 का है, वो काम अभी शुरू हो गया है। पहले भी काम हुआ था, नाले का काम हुआ था, उसके लिए आपने लिवासा जी हमारे जेएमसी कमिश्नर थे, और चंद्रमोहन गुप्ता जी जो हमारे पहले ऑनरेबल मेयर थे, मैं उनका भी थैंक करूँगा। लेकिन आज जी जो वक्त माइट ऑन माइट प्राइड की बात करें, ये टोटल फेलियर है, बिल्कुल फेलियर साबित हुआ है। क्योंकि जो एक प्रोग्राम के जो लक्ष्य होते हैं ना, जो एक एम ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका, ये लोगों के लिए प्रोग्राम था, ये जन अभियान था, मुझे बताओ जन अभियान कहाँ रह गया? लोग देने वाले हो नहीं पाए, चाहे वो हमारे 5 जोन बने थे, लोगों के अंदर जोन में हर जोन में आए, हम भी बैठे थे गांधी शास्त्री जो हमारा ग्रीन बेल्ट पार्क में बैठे थे, लेकिन लोगों की जो शमूलियत थी वो 1% भी नहीं थे, लोगों की शमूलियत बहुत कम थी। जन अभियान इससे नहीं बना पाए क्योंकि ये प्रोग्राम हैफजर्डली हुआ, और लोगों की ये हमारा पहला है, ये 19 अक्टूबर 2020 में हुआ था पहला माई टोन माई प्राइड प्रोग्राम, और ये 14 सूत्री मैंने उनको दिया था, ये मेमोरेंडम दिया था, इसमें हमारी वार्ड का भी था और पूरे पूरे सिटी के भी थे जो थे। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्या कॉर्पोरेटर्स को उनसे मीटिंग रखी गई, उनसे बात की गई कि हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, आप भी अपनी जो राय है मशवरा है वो बताएं, क्या इस तरह से कोई बात की गई? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी प्लानिंग हो ही नहीं पाई, तभी तो फेल हुआ जी, वो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो पाई। जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन फोन आया था, जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन फोन आया था, गांधी नगर हमारे शास्त्री नगर में प्रोग्राम था, आप वहाँ पर आइए, मैं चला गया, डिपार्टमेंट के लोग तो आए लेकिन कुछ लोग तो नहीं, जिनके लिए जिनकी प्रॉब्लम सुननी थी वो लोग तो आ नहीं पाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो टोटल फेलियर था। अभी बात करते हैं जिस दिन एलजी साहब आए हैं, गुलशन ग्राउंड में एलजी साहब आए, ठीक है, अभी बारीकी से आप देखेंगे वहाँ पर लोगों की क्या भागीदारी थी, खर्चा किया 44 के करीब स्टॉल लगे थे, लोगों की जब भागीदारी इसमें ना हो तो क्या अवेयरनेस गई। हमने जो पहला हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने कहा था कि ये प्रोग्राम वार्ड वाइज होना चाहिए, ताकि लोगों की शमूलियत हो सके, लोग अपनी सजेशन दे सकें, अपनी राय दे सकें, क्योंकि ये अभी वो वक्त नहीं रहा है कि एसी रूम में बैठ के प्लान बनेंगे वो इम्प्लीमेंट है, वो वक्त नहीं रहा है। जो ग्राउंड पर चाहिए, जिस चीज़ की जरूरत है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना, वो हमें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हमें इस बात के लिए पूछा जाए कि वो लोगों के बीच में लोगों का दरबार लगा के वहाँ लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, जो सजेशन वहाँ आती है उसे सही तरीके में इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इसके साथ में अगर बैक टू विलेज की प्रोग्राम की बात करूँगा, मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ और आज 50 से ज़्यादा हमारे संचय सरपंच पंच जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी बात करें बैक टू विलेज भी फेल हो गया है। जो पहला हुआ था बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था, लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, जब दूसरी बार गए वो एक भी डिमांड जब पूरी नहीं थी लोगों ने बायकॉट कर दिया, तीसरी बार और भी उन्होंने बायकॉट कर दिया, वो भी एक किस्म का फेलियर, जो जिसका को आप बोलते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम, लोगों ने प्रॉब्लम बता दी, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है दूसरे जब दूसरी बार जाते हैं, मुझे बताइए उस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है। एक मेयर का आईवाज था, और मैं इस बात से गुरेज नहीं करूँगा कि इस वक्त लोगों की परेशानी, हर किस्म की परेशानी बढ़ गई है, हमारे 50% से ज़्यादा हमारे राशन कार्ड बंद हो गए,
इतनी ज़्यादा फॉर्म, किसी ने अगर सरेंडर सर्टिफिकेट लेना है उसे 10-12 जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। किसी राशन लेने में थोड़ी चूक हो गई है उनका मतलब बंद 50% उन्हें रिवैलिड करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, बुरी हालत है उनकी। इसी तरह हम इसकी पेंशन स्कीम की बात करें, चाहे वो ओल्ड एज की पेंशन हो चाहे वो विडो पेंशन हो, इन्होंने आज कर दिया कि जो बीपीएल हम उसी को बनेगी, जो पीएचएच हैं आइए भाई हैं उन्हीं को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। एक तरफ तो ये एपीएल पीएचएच बना नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ये टोटली आप सरकार को फेलियर मानते हैं? हाँ, ये हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी अपील रहेगी कि इसे कृपया इसे बीपीएल जब पीएचएच के लिए सिर्फ ना करें, जो हमारे गरीब हैं जो अपना पहले जैसे बनाते हैं इनकम सर्टिफिकेट लाएं अपना, वो अगर वो 4-5 हज़ार उसकी इनकम है, वो है ही गरीब है, विडो लेडी है, वो अपना उसके लिए क्वालिफाई करते हो दे दी जाए। लेकिन बाइफर्केशन राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, जो आज तक पिछले 2011 में होती, 211 बार बाइफर्केशन नहीं हो पाई है। तो हम चाहेंगे कि जो लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये डोर स्टेप इसीलिए रखा था, लोगों की प्रॉब्लम डोर स्टेप के ऊपर पूरी की जाए, जो इसका पर्पस था, लेकिन वो हो नहीं पाया। जो वार्ड लेवल पर हम कर नहीं पाए, जन अभियान से हम बना नहीं पाए, इसलिए जो गवर्नमेंट का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जे इस तरफ जो फेलियर रहा जी। सोबत अली जी, आज अलग अलग कॉरपोरेटर्स इकट्ठे हुए थे, डीएपी की बात कर लें, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स की बात कर लें, लेकिन कांग्रेस का कोई कॉरपोरेटर जहाँ पर नजर नहीं आया, आखिर क्या बात हो गई कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर्स थे आज यहाँ पर नहीं शामिल हो पाए? नहीं, बड़ा अफसोस है, हमें ये कहना पड़ रहा, आना चाहिए था उनको, बदकिस्मती है। तभी तो पूरे हिंदुस्तान में अगर अपोजिशन नहीं रहेगी तो फिर क्या, यही बात हमारी कॉरपोरेशन का है जी। वो बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बात नहीं रख पाते, बात रखनी चाहिए। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम जनता की आवाज़ बन के इस चीज़ को आपके ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, उनको इनवाइट था, आना चाहिए। क्यों नहीं आए वो, मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा हूँ। चलो हमारे इंडिपेंडेंट साथी आए और डीएपी के लोग आए और जो बात रखी, बात सबने एक जैसी रखी है, बीमारी एक जैसी है। देखिए, बात हम ये कहना चाहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट अगर चल के ये जो प्रोग्राम माई टोन माई प्राइड हुआ या बैक टू विलेज हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ, ये बड़ा इनिशिएटिव, हमने इस चीज़ का वेलकम किया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो माई टोन माई प्राइड जो म्यूनसिपलिटी एरिया में हो रहा है, जो डिपार्टमेंट वहाँ उनको आना चाहिए था वो नहीं आए, और जिनको सुनाना है बताना है लोगों के वो नहीं। तो ये मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए ये वार्ड वाइज होना चाहिए था, वार्ड वाइज होता, ताकि हर लोग उनको कॉरपोरेटर को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, कॉरपोरेटर अपने वार्ड में एक मैसेज देते वो ऑफिशियली कि यहाँ कल प्रोग्राम है या 2-3 दिन बाद प्रोग्राम है, अलग अलग डिपार्टमेंट आएंगे, अपनी अपनी परेशानी बताएं। डिपार्टमेंट आए कॉरपोरेटर के पास, कॉरपोरेटर आए डिपार्टमेंट के पास, वो तो मिलते रहते हैं, कॉरपोरेटर डिपार्टमेंट के पास जाते रहते हैं, डिपार्टमेंट सुनते हैं, लेकिन हमने अगर इसको पब्लिक का अगर फ़ायदा देना था तो वो पब्लिक को इनवाइट करना चाहिए था। वहाँ एक प्रोग्राम होगा सैनिक कॉलोनी में, बैक माई टोन माई प्राइड का, वहाँ 10x10 का एक रूम था, अगर पब्लिक आती बैठना कहाँ था, 10x10 में कितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ? तो मुझे नहीं लगता जो 4 साथी जो अपने वो डिपार्टमेंट गए वो भी नहीं बैठ सकते। तो ये मुझे लगता है ये तो गवर्नमेंट का एक बड़ा फेलियर है, पूरा एडमिशन का फेलियर है, और हम आपके ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले भी फेस बन हुआ माई टोन माई प्राइड का, जो लोगों ने डिमांड दी वो तब की यूं की तू पड़ी है, तो आज भी कोई वैसी उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अलग अलग कॉरपोरेटर जो हमसे बात कर रहे थे, चाहे हम इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर की बात कर लें, चाहे डीएपी कॉरपोरेटर्स की बात कर लें। तो इनका साफ ये कहना था कि जिस तरह से माई टाउन माई प्राइड जो है कार्यक्रम रखा गया, एक टोटली जो है फेलियर जो है सरकार की तरफ से दिख रहा है, लोग जो हैं खुश नहीं हैं। वहीं पर इनका ये भी कहना था कि कॉरपोरेटर से बात करनी चाहिए थी जब ये प्रोग्राम रखा गया, लेकिन कॉरपोरेटर से पूरी तरह से बात नहीं की गई। लास्ट में आके इनको एक कॉल की जाती है कि हम कल जो है वो प्रोग्राम रख रहे हैं और जनता को प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के जनता के ऊपर एक जो है बोझ जो है वो थोपा जा रहा है ताकि जनता बोझ के तले दब सके। वहीं पर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है घर की, ये इनका कहना था कि साफ कहना था कि ये पूरी तरह से तरीका सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोग्राम जो हैं सरकार की तरफ से रखे जाते हैं। इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।